मैं फरहान और आप देखना शुरू कर दिए इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे आईएमए के बारे में। और हमारे साथ हैं ताहिर भाई। ताहिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। देखिए ताहिर भाई, आपसे पहला सवाल ये है कि बर्ड एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मार्केट में कन्फ्यूज़न है कि कोई बोलता है इसको लगाओ तो फ़ायदा है, कोई बोलता है नहीं इसको नहीं लगाने से फ़ायदा है। तो आज ये जो भी इसके बारे में कन्फ्यूज़न है मार्केट में, उसको क्लियर कीजिए कि इसके बाद हम बर्ड एक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। लोगों को क्लियरिटी दीजिए कि आईएमए एक केस के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। देखिए, इस बारे में हमने पहले भी एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, ये नहीं किया, कुछ तीसरा बातें बोली जी। फिर बहुत सारे लोग इसके ऊपर हाई कोर्ट में ही पिटीशन डाले थे, वो पिटीशन रिजेक्ट हो गई। मैंने आपको बताया ना, सीनियर एडवोकेट ने डाला था, वो रिजेक्ट हो गई। फिर मेरा भी व्यू था कि बर्ड एक्ट नहीं आया इसके ऊपर आता, कोर्ट का भी एक व्यू था। अभी फिर कुछ लोग इसके ऊपर कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, तो दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी मैं व्यू बोलूँगा ना, एक मेरी एक लीगल अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मैं राइट भी हूँ, मैं रॉन्ग भी हूँ, तो मेरा कोई वर्ड को फॉलो फाइनल वर्ड नहीं लेने का है। और अगर कोई भी मेरे व्यू से, यानी मेरे व्यू से हो नहीं, उन्हें समझता नहीं है या उसे लगता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, तो कोई भी आदमी, चाहे वो कोई इन्वेस्टर हो या कोई वैल्यूएशन हो, वो कोर्ट में जाके बर्ड एक्ट लगा सकता है, क्या भी मुश्किल नहीं है। हमने भी जो केपीआईडी एक्ट लगाया था वो भी किसी को मालूम नहीं था केपीआईडी एक्ट। हमने पिटीशन फाइल की, रिक्वेस्ट की, जज को समझ गया कि ये केपीआईडी एक्ट इज अप्रोप्रिएट एक्ट बोल के उसने लगा दिया। अब बर्ड एक्ट और केपीआईडी में क्या डिफरेंस है? देखो, बर्ड एक्ट में और केपीआईडी एक्ट में क्या है, एक्ट के ऊपर, उसके जो जो क्रिमिनल एक्ट है ना उसके ऊपर ही डिफरेंस है। जैसे कि बर्ड एक्ट का जो मान फुल फॉर्म क्या है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट। ओके, तो उसमें क्या है वर्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, यानी कि जब जो डिपॉजिट चलता है। सेक्शन 3 क्या बताता है कि ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमिसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये डेट कब, ये एक्ट कब बना है, 31 जुलाई 2019 को ये एक्ट बना है। उस दिन अगर कोई अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम चल रही है तो इसको बैन करना। तो यानी कि 31 जुलाई 2019 को अगर कोई डिपॉजिट, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट की स्कीम चल रही है तो ये एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होएगा। अब इसमें एक आर्गुमेंट एक और भी है कि नहीं, ये फरवरी के महीने में ऑर्डिनेंस था, तो मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डिनेंस था वो ऑर्डिनेंस था वो, मगर उस वक्त में किसी ने इसके ऊपर कंप्लेंट नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ने भी क्या व्यू लिया था कि ये एक्ट अच्छा नहीं है, अगर एक्ट ये इंपोज हो जाएगा तो क्या होगा, जो पूरी प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी। और जज ने खुद पूछा था तुम डिपॉजिटर की तरफ हो या एक्यूज की तरफ हो, तो मैं बताना चाहता हूँ क्यों ऐसा जज के पूछा था। तो सेक्शन 29 बताता क्या है कि पुलिस ऑफिसर शेल ऑन रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमेंसमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इन्फॉर्म द सेम टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिले कि ऐसा है कोई भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट कर रहा है, तो पुलिस वहां पे एफआईआर नहीं रजिस्टर करना है। अच्छा, पुलिस क्या करना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कॉन्टेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन करना है कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा, तब उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके क्या करना है, उसे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए देना है। अब आपको मालूम है जो पूरा केस, पूरी इन्वेस्टिगेशन किस पे चली है, एक कमर्शियल शीट में जो 73 नंबर की जो एफआईआर थी उसके ऊपर पूरी चली है। अगर ये बर्ड्स एक्ट आज अगर लग जाए तो जो पुलिस का जो पूरा केस था वो क्वैश हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि पहले कैंसिल किया जाएगा, उस पूरे केस को खत्म हो जाएंगे। अच्छा। तो जो ये प्रोसीडिंग चली है, चाहे वो अक्यूज को अरेस्ट करने की प्रोसीडिंग चली हो, चाहे उनके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन चली हो, चाहे वो जितनी प्रॉपर्टी अटैच हुई है सीज हुई, पूरी क्या हो, जीरो हो जाएगी। तो इस स्टेज में केस किसी कोर्ट में ये एक्ट किसी हालत में नहीं लग सकता, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया एक्ट के लिए क्या है, इन्फॉर्म पुलिस ऑफिसर को लेके, इन्फॉर्मेशन लेके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। अब समझिए, कुछ लोग बोलते हैं कि फरवरी के टाइम में एक्ट, ये ऑर्डिनेंस के तौर पे एक्ट था तो उस हिसाब से होना चाहिए था, मगर इसमें जो कोई भी चीज में एफ आई आर रजिस्टर नहीं हो सकती, इसमें रेफरेंस है, रेफरेंस करना है, ठीक है। जब रेफरेंस करते हैं तभी क्या होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आगे लेके इन्वेस्टिगेशन ले सकती है। तो रेफरेंस कौन से पीरियड, जिस दिन रेफरेंस होता है, समझिए अगर आज कोई भी कोई कंपनी, जैसे मान लीजिए एम्बिडेंट का एग्जांपल लीजिए या आईएमए का एग्जांपल लीजिए, जिस तरीके से फरवरी में ऑर्डिनेंस था, तो आज अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिले या पुलिस रेफरेंस करना चाहती है, तो उसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है कि डिपॉजिट स्कीम चलती रहनी चाहिए, चालू स्टेज में रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये पुलिस ने कब इन्वेस्टिगेशन, ये कब रजिस्टर करी एफआईआर, उसके भाग जाने के बाद, करेक्ट, जून में उस दिन वो चालू नहीं था, उस दिन वो बंद हो गया, बंद हो चुका, ठीक है। अब देखिए केपीआईडी एक्ट कहां पे आता है, केपीआईडी एक्ट जो कि क्रिमिनल एक्ट नहीं है, एक रिकवरी का प्रोसीजर, उसमें सेक्शन 3 में क्या बताता है,
कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑन डिफॉल्ट ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, यानी कि कब प्रॉपर्टी अटैच करना, जब प्रॉपर्टी, जब वो डिपॉजिट रिटर्न करने के लिए कैपेसिटी नहीं रहे. ठीक है. द गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन सोमोमोटो और इन रिसिप्ट ऑफ एनी कंप्लेन मे कॉज investigation of a complaint or fraudulent transaction refer to this section. The district magistrate shall forward this report together with the complaint to the government at the earliest, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where upon a complaint received from any depositor or otherwise the government is satisfied that any financial establishment has failed, it's both important, failed to return the deposit after maturity or on demand by the depositors or to pay interest or other assured benefit to provide service against such deposit. तो इसका मतलब क्या है कि ये कब KPID Act कब इफेक्ट में आता है, जब जो डिपॉजिट आप करते रहते हैं तब डिमांड करते हैं वो डिपॉजिट नहीं मिले, तब गवर्नमेंट का रोल पिक्चर में आता है और तब गवर्नमेंट क्या करता है उस कंपनी के खिलाफ या फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इंक्वायरी करती है. ठीक है. तो ये जो KPID Act कब आता है, जब कोई चीज, कोई कंपनी डिपॉजिट को रिटर्न करने लायक नहीं रहती, तभी क्या होता है KPID Act. बट सेट कब इफेक्ट में आता है, जब कोई डिपॉजिट स्कीम चल रही होती है और वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम होना रनिंग में. हाँ, नो डाउट ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम थी, मगर जिस दिन इसकी इंफॉर्मेशन मिली उस दिन वो बंद हो गई थी, तो उस अकाउंट में हो जाता. और दूसरा, इसको इस स्टेज में क्यों नहीं कर सकते बोले तो, क्योंकि अगर उसको इस स्टेज में इन्वॉक करेंगे, आज नहीं 6 महीने बाद भी इन्वॉक करेंगे, तो जो इसकी पहली जो प्रोसीडिंग है, जो पुलिस ने अपनी कंप्लेंट के अंदर की थी, वो इस पूरी जो क्या होगी वो प्रोसीडिंग जीरो हो जाएगी. हो सकता है दोबारा सिमिलर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मगर जो भी तब तक जिस दिन केस रजिस्टर हुआ, जिस दिन इन्वॉक होता है, तब तक वो पूरी जो प्रोसीडिंग है वो नल एंड वाइट हो जाएगी. तो ये पूरा काम फिर स्लो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है कि डिपॉजिट चलते रहना, डिपॉजिट स्कीम, अब डिपॉजिट स्कीम चल नहीं रही थी और जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी उस दिन डिपॉजिट स्कीम नहीं चल रही थी, ये एडमिटेड फैक्ट है. तो इसीलिए KPID Act में आता. दूसरा एक सवाल क्या आता है कि लोग बोलते हैं 6 महीने में इसमें बताया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 6 महीना सेम KPID Act में भी है. अच्छा. ये जो सेम टाइम बॉन्ड प्रोसीडिंग है, नोटिफिकेशन लेना, लिक्विडेशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेम सिमिलर प्रोविजन, सिमिलर प्रोविजन अगर आप चाहिए तो 3, 5, 6, 7, 8 और इवन 9 और 12, इन सबको KPID Act में पढ़ लीजिए, आपको मालूम चलेगा जो टाइम बॉन्ड प्रोसीडिंग इसमें छे. मगर इसमें टाइम बॉन्ड प्रोसीडिंग में देर क्यों हो रही है, एक सवाल आता है. देखिए क्या है, ये गवर्नमेंट ने इसकी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करके देना है. अब 600 करोड़ की प्रॉपर्टी या 650 करोड़ की इमोवेबल प्रॉपर्टी को लिक्विडेट होने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन में तो होने वाली नहीं होगा. हाँ. ठीक है. अगर उनके पास पैसा कैश होता तो 100% दे देते थे, पर क्वेश्चन आता लिक्विडेशन में, तो हर एक में ऐसा ही होता, चाहे वो बट्स एक्ट में होने दो या KPID Act में. फिर एक सेक्शन 12 है बट्स एक्ट के अंदर, जिससे लोग, जिसको पढ़ के लोग बोलते हैं बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं. क्या कंफ्यूजन पैदा करते हैं बोले तो, सेक्शन 12 क्या बोलता है कि Save as otherwise provided in the security construction, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002 or the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, यानी कि सर्फेसी एक्ट या इंसॉल्वेंसी को छोड़ के, एनी अमाउंट ड्यू टू डिपॉजिटर फ्रॉम ए डिपॉजिट टेकर शेल बी पेड इन प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर डेब्ट्स एंड ऑल रेवेन्यूज टैक्सेस सेस एंड रेट्स पेबल टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी. इसका मतलब क्या है कि जो भी पैसा आएगा उसमें क्या डिपॉजिटर को रिटर्न करने में को वो मिलेगा प्रायोरिटी देना, यानी कोई भी दूसरा कोई लोन उसने लिया हो, कोई टैक्स देना हो, रेवेन्यू हो, ये हो वगैरह. ठीक है. इसमें जो डेब्ट्स है, डेब्ट्स में उसमें लिखा रेवेन्यू टैक्सेस सेस एंड अदर रेट्स अप्लीक, तो ये डेब्ट्स गवर्नमेंट के डेब्ट्स डेब्ट्स हैं. अच्छा. इंडिविजुअल के नहीं है. इंडिविजुअल का हमेशा जो क्लेम आता है पहले आता है. अगर मान लीजिए किसी ने इंडिविजुअल ने अगर उससे लिया है, क्लेम करना है, तो बट्स एक्ट में भी उसको प्रायोरिटी मिलेगी और सेम वर्ड KPID Act में भी है. अच्छा. KPID Act में भी नहीं बोला कि पहले उसे काट के देने, उसमें क्या बोला कोई डिमांड है तो लेना है. और इसमें भी जो नोटिफिकेशन है डिमांड में लेना है. और जो इसमें प्रायोरिटी बोला है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस के ऊपर बोला है. ओके. गवर्नमेंट टैक्सेस के ऊपर बोला, ये हमें बहुत समझना है, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, देखो प्रायोरिटी ऑफ डिपॉजिटर क्लेम्स बोल के हमने पढ़ लिया, हमें क्या लगता है पहले डिपॉजिटर को पैसा मिले, मगर वो किसके ऊपर है, सिर्फ गवर्नमेंट क्लेम के ऊपर है उनको प्रायोरिटी मिले, मगर इंडिविजुअल क्लेम को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी, हमेशा. अब एग्जांपल समझिए, आपकी मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज है,
ठीक है, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी वाले क्या करें, अपना लोन दिए हैं, अब वो लोग क्या, अब उनको क्या है, अपना जो उसने लोन लिया है वो पैसा दे के अपना जो है प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो ये क्लेम कहां से, डेप्ट कहां से आ गया, ये नहीं, ये डेप्ट नहीं है ना, ये उसका उसके लोन की स्कीम है ना ये, ठीक है। अब समझिए तुम्हारा ये लीज की कोई प्रॉपर्टी उसने, तो लीज डेप्ट थोड़ी है, ये लाइबिलिटी है। देखो डेप्ट और लाइबिलिटी में दो चीज फर्क है, लाइबिलिटी होती है जिम्मेदारी, डेप्ट होता है कर्जा, कर्जा हाँ, उधारी। तो लाइबिलिटी और उधारी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो मेरा जो मानना है कि ये डेप्ट, ये बट्स एक्ट बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता इसमें, क्योंकि जिस दिन ये कंप्लेंट हुई उस दिन उसकी स्कीम नहीं चल रही थी। जब तब स्कीम चल रही तब तुम लोग पैसा ले लेके थे सारे, करेक्ट, तब तुम्हें कोई भी, अगर उस जमाने में अगर कोई भी आईएमए के खिलाफ बोलता था तो आप लोग क्या बोलते थे भाई, अरे ये मुस्लिम के खिलाफ है, गवर्नमेंट मुस्लिमों को आगे बढ़ना नहीं चाहती, मुस्लिम को फायदा होने से रोकती है। आज बट सेट बोल रहे हैं। तो जो चीफ जस्टिस ने जो भी किया है वो बिल्कुल सोच समझ के किया, जो भी क्वेश्चन किया, और इसके बावजूद भी किसी को, समझदार आदमी को लगता है कि भाई इसमें बट्स आना जरूरी है, तो कोर्ट ओपन है, कोर्ट को कुछ ने रोका नहीं है, ना ताहिर ने रोका ना फरहान ने रोका, तो आप कोई भी जाके कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के कोर्ट को सेटिस्फाई करके बट्स कर सकते हैं। तो बात यह कि ओवरऑल ये देखिए तो बट एक्ट लगाने से कोई फायदा नहीं है, जो के पी आई डी एक्ट चल रहा है वो बेहतरीन है। चलना, और देखिए एक और बात बोला, तो मैं देखो के पी आई डी एक्ट में दो प्रोविजन, एक सेक्शन 9 है जो कि चार्जशीट पे डाला नहीं, बोल गए वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोविजन है, अच्छा उसमें सजा होती है, बाकी जो लॉ है सेक्शन 3, 6, 7, 8 ये तुम्हारे रिकवरी प्रोसीडिंग है, उसके लिए अलग एक्ट चल रहा है। तो सीबीआई भी या एसआईटी भी, अगर एसआईटी अगर रहती या सीबीआई भी अब है, वो कोई आपको पैसा नहीं देगी, सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आपको देगी जो कि सुप्रीम हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अंडर में वो काम कर रही है, ठीक है। तो किसी ने बोला था भाई सीबीआई ने केपीआईडी एक्ट नहीं डाला, आप केपीआईडी एक्ट डालेगी तो क्या केपीआई, छोटी कॉमन सेंस, मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम कि स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन के लिए बोला है, उसके बाद वो सेक्शन 9 जो क्रिमिनलिटी का है जिसमें सजा सिर्फ 5 साल है वो करेगी वो। तो अब बात यही है कि केपीडीआई पे ही काम चलेगा, बर्ड एक्ट के बारे में इसके बाद हम लोग बात नहीं करेंगे, ये हमने क्लियरिटी दे दी है कि इस वक्त लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी को लगता है बर्ड एक्ट उनके लिए फायदेमंद है, कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाइए और बर्ड एक्ट लगवा लीजिए, कन्विंस करके करा लीजिए, उसमें क्या है। ताहिर भाई आपसे दूसरा सवाल, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि छोटे इन्वेस्टर को पैसे पहले दे दो, बड़े को बाद में देना, जो लास्ट में इन्वेस्ट किए थे उनको पहले मिलना चाहिए, कि पहले वालों को ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल चुका है, इसके बारे में क्या बोले। देखिए मैं आपको बता दूं, लॉ में छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता जी। लॉ में क्या होता है, जिस अगर जिसका 50,000 क्लेम है वही सेम फुटिंग में रहता है, उसी को भी सेम प्रोसीजर में जाना है, जिसका 5 करोड़ क्लेम है सेम फुटिंग में उसने जाना है, ठीक है। और जो इसकी प्रॉपर्टीज का जो पूरा जो क्लेम है ये 3,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जो कि आईएमए के ऊपर आएगा। और इसकी जो प्रॉपर्टी, मैं बोल रहा हूँ बार बार रिपीटली बोल रहा हूँ, इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी 1,000 करोड़ ही आएगी। तो इसके लिए जितने भी पैसे लोगों ने ले चुके हैं वो पैसे माइनस होके जो भी पैसा बचेगा, आप समझिए अगर किसी ने 2017 से 18 तक अगर 19 तक जितने पैसे ले लें उसका वो डिमांड से माइनस करके उतने पैसे को सब लोग 33% वो लोग देंगे, ठीक है। तो इसमें छोटे इन्वेस्टर को भी 30% मिलेगा, जो जनवरी में दिया है उसको भी मिलेगा, जिसने आखिरी दिन डाला है उसको भी 30% मिलेगा। अब उसने क्योंकि उसके टोटल अमाउंट का 30%, क्योंकि जिसका बचा हुआ का उस बचे पे 30%, ठीक है। और ये चीज में लोग बोलते हैं कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा, बहुत सवाल, इस सवाल का जवाब दे देते क्या होगा, मेरे को बीपी बढ़ गया। तो इसके लिए क्या है, देखिए आपको मैंने बता रहा हूँ रिपीटेडली, उसकी लिक्विडेट जो लिक्विड प्रॉपर्टी को लिक्विड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो जिस दिन हो जाएगा उसको पैसा मिल जाएगा। और हाई कोर्ट का जो जज अभी जो चीफ जस्टिस जिस तरीके से शॉर्ट डेट डाल के पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है इस प्रोसीजर को, तो आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, दिसंबर तक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तीसरा सवाल, जो लोगों ने ज्वेलरी को देकर लोन लिया था उसके बारे में दो चीज़ है, एक तो बताइए कि उसका क्या होगा, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ 1.5 लाख रुपए का गोल्ड दिया था, 1 लाख लिया था और 50,000 ही मेरा फंसा है, अब मैं लॉयर के थ्रू जाऊंगा तो पैसा नहीं है और कुछ बचेगा नहीं, तो कोई रास्ता है क्या कि हम डायरेक्टली जाके कोर्ट के थ्रू अपनी अर्जी को दे सकते हैं। देखिए ये जो प्रैक्टिकली क्या है, देखिए उनका क्या स्कीम था लोन का, अगर तुम 2 लाख का लोन लोगे तो ये 2 लाख का, अगर तुम लोन 2 लाख की तुम्हारी ज्वेलरी रहेगी तो 1 लाख तुम्हें
मॉर्टगेज मिलेगा जी। तो जिसको भी गोल्ड लोन छुड़ाना है, जिसका भी गोल आपने छुड़ाना है उस लोन का, तो उसको 1,00,000 रुपए देना पड़ेगा, तभी वो उसका लोन छूटेगा। और नेचुरली वो इन्वेस्टर को ही लेता था गोल्ड लोन, तो कोई भी इन्वेस्टर इस गलत फहमी में ना रहे कि उसका जो इन्वेस्टमेंट का पैसा उसमें अटैच हो जाए, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो कुछ भी एडजस्ट होने वाला नहीं, उसको जितना पैसा देना है उसको ही उतना पैसा दे के आपको मिलेगा। इसमें एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या आया है बोले जी, तो आज भी कोर्ट में वो डिस्कशन हुआ जिसमें मैंने खास ऑब्जेक्ट किया। अब तक क्या था, जो मॉर्टगेज लोन का था वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अटैच नहीं किया था, तो मैंने खुद 30 से 35 एप्लीकेशंस डाली है क्रिमिनल कोर्ट में इंटरिम कस्टडी लेने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो अब समझिए, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उसको अटैच कर लेगी, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक दूसरा केस बुक किया है, मिसलिनियस केस, उसके अंदर हमें एप्लीकेशन डाल के उधर से रिलीज कराना पड़ेगा। तो मेरा क्लेम आज, मैंने आज आर्गुमेंट जो किया बोले, तो भाई जो इतना भी जो मॉर्टगेज जो लोन है, ये लोन की ऑनरशिप के बारे में डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि एसआईटी ने अपने डॉक्यूमेंट में खुद एक एक मॉर्टगेज का, एक एक लोन लेने वाले का डिटेल दिया है, और डिटेल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मालूम है ये प्रॉपर्टी मंसूर की नहीं है, जब मालूम है तो उसे काय को अटैच कर रहे हैं, बोल के ये मेरा आर्गुमेंट था। तो कोर्ट ने बोला भाई ऐसा होगा तो कोई भी प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्रोसीडिंग करने दो, फिर जो उसका जो रिलीज का जो क्लेम का जो प्रोसीडिंग में तुम्हें एंटर हो और अपना रिलीज कर लो बोल के। तो इट इज अ फेयर नेम प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। तो उस तरीके से मिल जाएगा। तो जितने भी मॉर्टगेज लोन है 100% उनके सिक्योर्ड लोन है, उनको कुछ परेशानी नहीं, उनकी ज्वेलरी कहीं गई नहीं है, ज्वेलरी पूरी है, मैंने पूरा वेरीफाई कर लिया है। आपको एक अच्छे एडवोकेट को पकड़ के, आपको एक अच्छे एडवोकेट के साथ उसको आप रिलीज करा सकते हैं। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में रिलीज हुआ तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कर लीजिए, नहीं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रोसीडिंग में उसमें भी आपको रिलीज होगा, आपको कुछ परेशानी नहीं है। बस आपको क्या होगा, जो पैसा अपने लोन का वो पैसा देना पड़ेगा। ठीक। आपसे चौथा सवाल ये है कि जितने भी मिनिस्टर लोग का नाम लिया गया था और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर का नाम लिया गया था, उनके ऊपर अभी जो कार्रवाई नहीं हुई है, अगर मान लीजिए कि सीबीआई कार्रवाई नहीं करती है, तो जो आईएमए के विक्टम है उनके पास कोई और रास्ता है क्या? देखिए, लॉ में हर एक का रास्ता है, हम लोगों को समझ नहीं रहती, हम लोग बेकार परेशान होते। देखिए, मान लीजिए, अज्यूम कीजिए एक पॉलिटिशियन का नाम आया, उस पॉलिटिशियन के नाम के बारे में, उसके नाम के लिए मेन अक्यूज ने भी स्टेटमेंट दिया है कि मैंने उसको फला फला पैसा दिया। अब सीबीआई ने भी नहीं उसको अक्यूज बनाया, एसआईटी ने भी अक्यूज नहीं बनाया, अब आपने उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी मटेरियल उसके खिलाफ, यानी कि अगर वॉलंटरी स्टेटमेंट भी है इसकी अक्यूज की, और जो भी मटेरियल चार्जशीट में उसके खिलाफ है, उस मटेरियल को रेफर करके सीबीआई को कंप्लेन कीजिए कि ऐसा ऐसा मटेरियल है, इसके बावजूद भी आपने इसके ऊपर एक्यूज बनाया नहीं, इसको आप एक्यूज बनाइए, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए बोल के एक सीबीआई को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको आप एक प्रेजेंटेशन दीजिए। नेचुरली हो सकता है सीबीआई उसके ऊपर, वो ऑफिसर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आप सेम मटेरियल के साथ जो आपने एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन के ऊपर जो सीबीआई का हायर अप्स है, आईजी लेवल का ऑफिसर, उसको आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ऐसे ऐसे केस में ऐसा ऐसा मटेरियल है उसके खिलाफ, उसके बावजूद सीबीआई ना ही उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना ही उसको अक्यूज बना रही है। ओके। तो हमें है कि सीबीआई भी कहीं ना कहीं प्रेशर में उसको फायदा देने के लिए कर रही है। एक ऐसा रिप्रेजेंट सीनियर हायर ऑफिसर को दीजिए, समझिए हायर ऑफिसर ने भी कुछ नहीं किया, दोनों आप लेके, दोनों ये रिप्रेजेंटेशन और हायर ऑफिसर रिप्रेजेंटेशन लेके कोर्ट में उसके खिलाफ पीसीआर, सेम कोर्ट जिसमें केस चल रहा है वहीं पे पीसीआर डाल दीजिए उसके। वो पीसीआर में पूरे मटेरियल को हाईलाइट कीजिए और कोर्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि सीबीआई को डायरेक्शन दे कि इसको इन्वेस्टिगेशन करे, इसको केस इसमें रजिस्टर करके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। ये एक सिंपल सा लीगल तरीका है। और यही सेक्शन, वो जो सेक्शन 154 सीआरपीसी और सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 जो कि लोकल पुलिस के ऊपर एप्लीकेबल था, सेम प्रोसीजर किस पे होता है, सीबीआई पे अप्लाई करता। उसके लिए प्रोविजंस दिल्ली एस्टैब्लिशमेंट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में प्रोविजंस हैं, वो चाहिए था आप लेके, और इसके लिए आपको एक अच्छा एक डेयरिंग एडवोकेट चाहिए। तो ये फिर कोर्ट डायरेक्शन देगी कि उस पर एक्शन लो, क्योंकि आप डिटेल कोर्ट में प्रेस कर देंगे। और मान लीजिए कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी, कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी सीबीआई उसको बोल देती क्लीन चिट दे देती, तो आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, कॉग्निजेंस लो, इसके अक्यूज बनाओ। तो आपके लिए आपको क्या है, आपको व्हाट्सएप वॉरियर नहीं चाहिए इसके लिए, आपको एक अच्छा एडवोकेट चाहिए, डेयरिंग एडवोकेट चाहिए, जो पूरे चीजों को आपको लीगल तरीके से आपको चीजों को गाइड कर सके। मैं क्या देख रहा हूँ, लोग व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में इसे बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं, बजाय इसके ऊपर आप मेहनत करके एक अच्छे एडवोकेट को आप करेंगे तो इनशाला जो भी आप चाहते हैं वो पूरा रिलीफ मिल सकता है आपको। ठीक है ताहिर भाई, पांचवा सवाल, आज जो कोर्ट का में हियरिंग था उसमें क्या क्या हुआ, थोड़ा ब्रीफ बताइए।
अच्छी आज जो हियरिंग थी बहुत सिग्निफिकेंट हियरिंग थी, इसमें मेरे लिए बारे में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि आज जो हियरिंग थी उसमें सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट दी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें कल एक पेपर में ऐड आया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसने सीज की, उनके लिए नोटिफिकेशन आया था। फिर उसमें एक नोटिफिकेशन क्या बताया कि जो कॉम्पिटेंट जो फॉरेंसिक ऑडिटर के लिए 1,50,00,000 में उसकी ड्यूटी के उसको फीस को तय करके गवर्नमेंट ने कॉम्पिटेंट एक फॉरेंसिक ऑडिट के लिए कंपनी को भी अपॉइंट कर दिया। और तीसरा क्या था कि जो 25 लोगों को स्टाफ चाहिए था उनमें 5 का अप्रूव होकर उनका प्रोसेस भी शुरू हो गया और बाकी 20 लोगों का भी हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और इसमें जब एक नोटिफिकेशन था जो कि मॉर्टगेजी की प्रॉपर्टी के बारे में था, तो मॉर्टगेजी प्रॉपर्टी यानी जो उन्होंने लोन लिखा है, तो मैंने कोर्ट में उस टाइम इंटरप्ट किया भाई अगर ये ऐसा हम नोटिफिकेशन डायरेक्ट नहीं दे सकते कंपिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि कंपिटेंट अथॉरिटी को मालूम है कि ये मॉर्टगेज लोन किसने लिया है, तो उनको नोटिस भेजना नोटिफिकेशन देने से पहले। तो कोर्ट ने क्या बोला भाई इस तरीके से होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, उसका जो प्रोसीजर है वो करना। तो कोर्ट ने मुझसे पूछा तुम किसके बिहाफ में कर रहे हो, क्योंकि तुम तो यहाँ पे PIL फाइल किया पार्टी इन पर्सन, तो यू कैनॉट ये मेक सबमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो मैंने बोला कि भाई मैं लोअर कोर्ट में मैं मॉर्टगेजी लोन को ये मॉर्टगेज जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनके इंटरेस्ट के लिए मैंने किया। तो कोर्ट ने बोला भाई देखो एक ही प्रोसीडिंग में तुम एज ए पार्टी इन पर्सन या तुम एज ए पार्टी इन पर्सन भी नहीं रह सकते और एक ही केस में तुम्हें दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें PIL को तुम्हें वो करना है या नहीं करना। तो मैंने बोला भाई मैं PIL को नॉट प्रेस करता हूँ, यानी कि आज जो प्रैक्टिकली मेरी PIL आज वो खत्म हो गई, रिजॉल्व हो गई पूरी, आज खत्म हो गई मेरी PIL। मगर ये जो केस है पूरे तरीके से चलता रहेगा क्योंकि दूसरी और केसेस हैं, वो केस चलता रहेगा आगे और सेम प्रोसीडिंग चलती रहेगी। ठीक है, और ये प्रोसीडिंग नेक्स्ट डेट जो है 18 अक्टूबर को है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे, छठा सवाल ये है कि जो पेपर में कल आया और लोगों ने बात किया आकर कि सिर्फ 300 करोड़ और ये सब है, तो ओरिजिनली अभी आपको क्या लगता है कि ये जो पेपर में कल आया था वो नए प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही थी या फिर वो टोटल 300 करोड़ की बात हो रही थी? फरहान भाई मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, देखिए जब भी कोई प्रॉपर्टी सीज होती है सेक्शन 3 के अंदर उसका प्रोसीजर है, तो जो पहली जो प्रॉपर्टियाँ सीज हुई थी उसका एक प्रोसेस चल गया, वो एक अलग 350 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। कल जो प्रॉपर्टी आई है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी है 300 करोड़ की, और ऐसी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी के अंडर में है, तो टोटल रफली 1,000 करोड़ का है। ये बेकार का डिस्कशन, उसकी प्रॉपर्टी इतना है, इसने खा लिया वैसे खा लिया। अरे ये सारे जो नोटिफिकेशन आते हैं रिपीट नहीं होते। आप लोग कुछ भी करने से पहले या किसी भी कमेंट करने से पहले सोशल मीडिया में पहले के नोटिफिकेशन को इस नोटिफिकेशन को आप टैली करके वेरीफाई करो कि क्या है करके। तो ये बेसिकली जो है वो टोटल जो हम लोग ने पहले से बात करते उसी के ऊपर मैं स्टिक करीब करीब 900 करोड़ 1,000 करोड़ आ जाएगा मेरे 1,000 करोड़ तक की बात चल रही है। और फॉरेंसिक ऑडिट होएगा तो मनी ट्रेल हो, यानी किसको कहाँ खर्च किया, किससे पैसा गया, तो उस प्रोसेस में ही बहुत सारी पैसा निकलेगा। अच्छा, इसमें एक और सवाल कि ये जो गवर्नमेंट जितने भी काम कर रही है और पैसा खर्च कर रही है तो क्या बाद में उसके बिल भी इसमें से माइनस करेगी? देखिए एक्चुअली जब ये लॉ बन जाता है तो जिम्मेदारी अथॉरिटीज की रहती है, तो इसमें कोई भी जो एक्सपेंस है ना कोई भी गवर्नमेंट उसके पैसे से डिडक्ट नहीं करेगी, पूरा खर्चा गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, अब ये बताइए कि आपका जो PIL का था तो आपने वहाँ से हट गया था, अब IMA के केस में आपका क्या रोल रहेगा? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आज हम मेरी PIL को ख़त्म हो गई, आज वो डिस्पोज हो गई वो, तो अब मेरा रोल क्या रहेगा? देखिए प्रैक्टिकली भी क्या है, जो मैंने PIL जो की थी मेरे उसमें सिर्फ एक ही प्रेयर थी KPID एक्ट को इन्वोक करना, और KPID एक्ट इन्वोक हो गया और चल रहा है प्रोसीजर, तो मेरा जो प्रेयर था वो सेटिस्फाई हो गई, तो उसमें कुछ बचा नहीं है क्या अभी। और मैं उसमें पार्टी इन पर्सन कर रहा था, जब मैं पार्टी इन पर्सन करूंगा तो नेचुरली मैं एज अ कैपेसिटी ऑफ एडवोकेट मैं कैनॉट उस केस में किसी और तरीके से नहीं जुड़ सकता। तो आज जो PA जो डिसॉल्व हुआ है, जो मैंने उसको नॉट प्रेस करके आज डिस्पोज हुई है, मैंने जानबूझ के डेलिब्रेटली उसको डिस्पोज हुआ होने दिया है, क्योंकि मैंने ज्यादा उस पर आर्गूमेंट भी नहीं किया और उसको बचाने की कोशिश नहीं की। हो सकता था मैं कई आर्गूमेंट करके उसे बचा भी सकता था, नहीं तो और आगे भी चैलेंज करता, मगर मैंने इसलिए क्यों बोले तो मैंने विक्योरियस लायबिलिटी का केस फाइल किया है जिसमें मैंने जो लोगों को रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए मैंने आज उस PIL को खत्म होने दिया, और नेक्स्ट डेट में मैं PIL नहीं एक रिट पिटीशन की फॉर्म में उसी केस में मैं जुड़ जाऊंगा जिसमें मैं दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरा ये रोल रहेगा, और मेरा रोल जो लोगों को मदद करने का मेरा रोल है जो मैं पहले दिन से कर रहा हूं आखिरी दिन तक मैं वही उस रोल को निभाऊंगा। ठीक है, अब ये सवाल क्या था विक्योरियस लायबिलिटी? देखिए विक्योरियस लायबिलिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 बताया गया, इसमें क्या बताया जाता है कि अगर कोई मालिक उसके नौकर उसका काम वाले से कोई
कमीशन या ओमिशन, यानी किसी उसकी काम की वजह से या उसे काम नहीं करने की वजह से किसी को अगर नुकसान हो जाए तो वो क्या करता है, उस मालिक से क्लेम कर सकता है। तो गवर्नमेंट, कई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल के डिरिलेक्शन की वजह से, उसे कमीशन और ओमिशन की वजह से गवर्नमेंट से कंपनसेशन लोगों ने क्लेम किया और उसमें कोर्ट ने उसको कंपनसेशन दिया, तो उसको बोलते हैं विक्योरियस लायबिलिटी। यानी कि विक्योरियस लायबिलिटी का मतलब यानी कि उसने खुद गलती नहीं की होती, मगर उसके सर्वेंट ने की होती। तो सीधे लफ्जों में ये बोला जाए कि गवर्नमेंट के जितने भी वर्कर होते हैं उनकी गलती के वजह से जिम्मेदार गवर्नमेंट रहती है। अगर जनता को कुछ भी नुकसान डैमेज होता है तो उसकी आप डैमेज का कॉस्ट गवर्नमेंट से ले सकते। जी जी, तो ये विक्योरियस। तो अब तक क्या है, पोंजी स्कीम में ऐसा कुछ किसी ने क्लेम भी नहीं किया, अब तक उसके ऊपर बात भी नहीं। तो ये पहली बार हमारे उसमें, हमारे फोरम में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर से बता देना चाहता हूँ कि ये विक्योरियस लायबिलिटी का अब तक कहीं भी नहीं, कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है इसको, मगर मैंने एक ग्राउंड तैयार किया है और उसमें जो जो उसकी हाईलाइट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मिस्टेक्स हैं, पूरी मैंने उसको हाईलाइट करके एक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया है। उसके बाद मैं उसको फाइल करने के लिए पूरा तैयार हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ चार्जशीट के लिए वेट कर रहा था। तो आज मुझे 6000 पेज की चार्जशीट मिल गई है। अच्छा। और 6000 पेज को पढ़ के उसमें जो जो मटेरियल हमारे काम का है उसको लेके मैं एक रिट पिटीशन फाइल कर दूंगा और जब कोर्ट में जब नेक्स्ट डेट आएगी जो कि 18 अक्टूबर है, उससे पहले ये फाइल भी जाएगी और इंशाल्लाह मैं खुद नहीं बोलूंगा उस चीफ जस्टिस के पास जाने के लिए, वो मारो चीफ जस्टिस के पास चली जाएगी, क्योंकि आईएमएस रिलेटेड केस है, चीफ जस्टिस का सेम फोरम में चल जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है चीफ जस्टिस के जो जिस तरीके चीफ जस्टिस में इंटरेस्ट ले रहा है, जिस चीज इसमें डायरेक्शंस पास कर रहे हैं चीफ जस्टिस, 100% इसको एंटरटेन करेंगे और एक बहुत अच्छा रिलीफ आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो ताहिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे डिटेल ब्रीफ देने के लिए। और कुछ आप बोलना चाहेंगे आखिर में? देखिए, इसमें हमारे डिस्कशन के बाद कई लोग बोलते हैं हीरा गोल्ड के बारे में भी लोग बहुत करते हैं, तो हीरा गोल्ड के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था, तो मैं कुछ उसके बारे में जो हीरा गोल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक थोड़ी बात बता देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हीरा गोल्ड में जो है वो क्या है, जो स्कैम है, ये पैन इंडिया स्कैम है, हर जगह पे इसका स्कैम हुआ है, चाहे पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, इवन बेंगलोर, बहुत जगह स्कैम हुआ है। तो और इसमें जो उसके जो प्रमोटर है नोहरा शेख, वो अभी अंदर है, ठीक है, और सब लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया, कुछ चुनिंदा लोगों ने कंप्लेंट किया है। तो नोहरा शेख ने क्या किया है कि एक एफिडेविट दिया तेलंगाना हाई कोर्ट में कि मुझे तुम्हें बेल दो, मैं 3 महीने के अंदर मैं सबको पैसा दे दूंगी। तो जो सब जो इन्वेस्टर्स हैं, इनोसेंट्स लोग हैं बेचारे, वो लोग वो क्या कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, भाई वो तेलंगाना कोर्ट मान लेना, ये कर लेना, आपा बाहर आ जाएगी, 3 महीने का उनको बेल मिल जाएगी। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपा 3 महीने के बाहर आने के 3 महीने बाद नहीं, 30 महीने बाद भी एक पैसा नहीं देगी। सेम चीज सुब्रतो बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा बोला था कि मैं डिपॉजिटर को पैसा दूंगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, अगर वो जो डिपॉजिटर के जो एडवोकेट्स अगर उनके लिए लड़ रहे हैं हीरा के, तो वो लोग जरा ध्यान रखिए इसको और सब लोगों को भी इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुब्रतो बनर्जी को क्या बोला, तुम्हें हम लोग छोड़ देंगे, तुम जितना पैसा है डिपॉजिटर का वो कोर्ट में डिपॉजिट करो, कोर्ट में डिपॉजिट करो। तो उन्हें क्या बोला, मेरी प्रॉपर्टियां पूरी दुनिया में फैली हुई है, मैं उसे बेचने के लिए नेगोशिएशन कर ले, मैं खुद जाना, तब तक मैं, और सेम नोहरा शेख बोल रही है, मैं गल्फ में मेरा इतना वो है, ये है वो है, मैं बेच के दे दूंगी। तब कोर्ट ने क्या किया, उसको एक ऑफिस एक्सेस दिया, कोर्ट ने स्पेशल डायरेक्शन देके तिहाड़ जेल में एक ऑफिस बनाया, ऑफिस में मौका दिया उसको कि वो बैठ के लोगों से ईमेल में बात करे, लोगों से फोन में बात करे, लोगों से इंटरनेट में बात करे, नेगोशिएशन कर, इवन कोई उससे मिलने आने चाहता था प्रॉपर्टीज के तो उन्हें नेगोशिएशन कर सकता था, पर कोर्ट ने उसको बेल नहीं दी, और कोर्ट ने क्या किया, उसके उसी के थ्रू जेल के अंदर ही उसने पूरी प्रॉपर्टी है। तो जो नोहरा शेख को भी ऐसी कंडीशन इम्पोज करके, जो एडवोकेट उसके लिए लड़ रहे हैं यही कंडीशन इम्पोज करके नोहरा शेख को भी पूरा ऑफिस प्रोवाइड करके, 3 महीने नहीं 6 महीने रहने दो, लेकिन वहीं बैठ के करो, वहां बैठ के उसको क्या है, तभी ये डिपॉजिटर को पैसा मिल सकता है, नहीं तो ये सिर्फ और एक सिर्फ एक बाहर निकलने का एक तरीका है, एक शातिर जो इंसान रहता है धोखा देने वाला, उसके एक शैतान की एक चाल है बाहर, तो क्रिमिनल माइंड फिर से यूज़। मेरी 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 रिक्वेस्ट क्या है, सुन सब डिपॉजिटर से, इस बहाने मत आओ, हो सकता है लोग गालियां देंगे, क्योंकि नोहरा शेख के मैंने वीडियो में देखा लोग बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो क्योंकि उसके बहुत चाहने वाले शायद है, हो सकता है लोग गालियां देंगे, मगर जो भी मेरी एडवाइस है उनके भरे के लिए, ऐसा करेगा तो वो पैसा मिलेगा, नहीं तो एक बार चिड़िया उड़ गई तो फिर नहीं मिलने वाला। तो ताहिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे देखने वाले लोगों से ये कहूँगा कि इंडियन मीडिया बुक को सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक फैलाइए, क्योंकि जितनी भी बातें आपको आराम से मिल सकती हैं। और दूसरी बात, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आए कोई बात नहीं, मत देखिए, और आपको लगता है फिर लास्ट में बोलता हूँ बर्ड एक्ट आपको चाहिए तो आप
खुला हुआ कोर्ट है, आप जाके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। जज़ाकअल्लाह।